भाई हमारे एजाज खान जो है, ऐसा लगा कल के दिन कि जानबूझकर जैस्मिन को उकसा रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, तो मसला ये है कि कल हमने देखा कि एजाज खान की जो है लगभग सब सही लड़ाई हुई ऑपोजिट टीम में, यानी कि रूबीना से लड़ाई हुई, जैस्मिन से हुई, कश्मीरा के साथ धक्का मुक्की हुई, कश्मीरा रोने लगी, हालांकि एजाज ने कंसोल किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं लड़ाई तो हुई। अब यहां पर हम बात करेंगे जैस्मिन की लड़ाई की, क्योंकि कल जैस्मिन वाली लड़ाई में ऐसा लगा कि जैस्मिन जो है कहीं गलत थी ही नहीं। जैस्मिन को बार बार एजाज खान उकसा रहे थे, क्या बोल रहे थे, 23 साल की बच्ची, 23 साल की लड़की है, बच्चों जैसे रहती है, 23 साल की लड़की, बच्ची है, बच्ची है, बच्ची, बहुत बार बोला। बार बार जैस्मिन ने ये भी बोला कि आप देखिए, अभी बार बार मुझे बोल रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं फिर वो बोलूं जो आपको ट्रिगर कर जाता है, आप जानबूझ के फिर अपना वो ट्रिगर पॉइंट लेकर सिंपथी गेन करेंगे, सिंपथी कार्ड खेलेंगे, आप बार बार इसीलिए मुझे बोल रहे हैं और मत बोलिए, मैं फिर बोल दूंगी, तो आप कहेंगे कि मुझे ट्रिगर कर गया, मेरी एज को लेकर बोल रहा है। एंड फाइनली वही हुआ, एजाज खान नहीं रुके, नहीं रुके, नहीं रुके, एंड आखिर में जैस्मिन आई और जैस्मिन ने वही बोला जो वो बोल सकती थी और जो एजाज खान भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बोलेगी। इवन हम भी जानते थे कि जैस्मिन वही बोलेगी, और वो एक्शन का रिएक्शन था। जैस्मिन ने बोला कि मैं तो 20 साल की उम्र में यहाँ हूँ, ये सब कर रही हूँ, रियल हूँ, जैसी हूँ वैसी दिख रही हूँ, 45 साल की उम्र में फेक बन के घूम रहे हो, यही शायद एजाज खान सुनना चाहते थे। और यहां पर जैस्मिन ने कहीं ना कहीं एजाज खान को डिकोड करने की कोशिश की है। जैस्मिन ने पहले ही बोल दिया कि ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, जानबूझकर ऐसा पॉइंट आपको बोलेंगे कि जिसके रिएक्शन में आप कुछ बोले और ये बोल दें कि भाई ये तो मेरा ट्रिगर पॉइंट था, मैं हर्ट हो गया हूं, फिर मैं गुस्सा दिखाऊंगा, मैं सिंपथी मांगूंगा। तो ये सारी चीजें जैस्मिन ने वहां डिकोड की एजाज खान की, और मुझे लगता है कि कल एजाज खान ने वाकई ऐसा किया, जानबूझकर जैस्मिन को उकसाया कि सिर्फ वो उनकी एज पर एक उंगली उठाए या कोई टॉन्ट कसे या कोई ताना मारे, और वही हुआ। हालांकि जैस्मिन ने जिस तरीके से डिकोड कर दिया था तो एजाज ने उसका मुद्दा बनाया नहीं, लेकिन शायद इरादे वही थे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।